फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। बहुत दिनों गए वीडियो बनाए हुए। तो हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं, क्वार्टर मिली है हमें जो, तो उसका देने जा रही हूँ आज आपको हाउस टूर पूरा, बड़े दिनों बाद, क्योंकि गांव भी चले गए थे और फिर क्वार्टर को भी सेट किया है थोड़ा बहुत। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखिए कैसा है घर मेरा नया। चलो तो फिर। तो फ्रेंड्स, ये है बाहर का गेट है हमारा, जो मेन गेट है, जो फाटक लगी हुई है बाहर की है। तो इस पर ताला लगा के रखते हैं क्योंकि बच्चे बाहर भागते हैं। और इधर देखिए चारों तरफ बाउंड्री हो रही है, छोटी सी, छोटी ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही, छोटी बाउंड्री है थोड़ी बहुत, ताकि बच्चे भी बाहर ना निकल सके। और इधर ये मेन रोड है, ये मतलब इस पर सारा दिन साधन चलते ही रहते हैं। ये पूरा रोड है आगे यहाँ से यहाँ तक। और इधर हमारी बाड़ी है जिसमें आप साग सब्जी कुछ भी कर सकते हो। तो हमने इसमें उगा रखी है थोड़ी बहुत सब्जियाँ हो रखी है, अभी तो कुछ नहीं किए, थोड़ी बहुत ही किए, आगे देखेंगे क्या क्या करते हैं, दिखाएंगे आपको भी। तो यहाँ पर बाड़ी है हमारी साइड में, और ये बाड़ी में जाने का रास्ता है, और ये बाउंड्री है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर ये चारों तरफ देख सकते हो आप, अच्छी है वैसे तो, नज़ारा भी अच्छा है। और ये सारी बाकी सबको ये और क्वार्टर हैं, और ये हमारा जो मेन क्वार्टर है वो है। तो यहाँ पर कूलर भी लगा दिया है हमने, और ये गेट है क्वार्टर का अंदर जाने का, देख सकते हो आप। तो चलते हैं फ्रेंड्स अंदर, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर जाले वाला गेट है, और फिर इसके बाद लोहे का गेट लगा रखा है क्योंकि यहाँ पर चोरियाँ बहुत होती है। तो यहाँ पर जो ये रूम है, इसमें मतलब ये रूम बना हुआ नहीं रहता, इसमें बनाया गया है इसको, जो हमसे पहले रहते थे उन्होंने बनाया था। और ये हमने लिया है दीवान, दीवान भी ले लिया है हमने नया। इसमें बहुत गद्दा बहुत अच्छा है, इतना अच्छा गद्दा है, सॉफ्ट बिल्कुल। तो यहाँ पर कुर्सी वगैरह, साइकिल वगैरह, गुड़िया की बुक और बैग वगैरह यहीं रख रखे हैं हमने। ये मेन गेट है, बाहर से ऐसे दिख जाता है, सारा दिन खुला रहता है जाली वाला गेट। तो ये आगे का रूम है, और अब चलते हैं बेडरूम में। ये आगे बेडरूम आ गया है हमारा, तो इसमें बेड वगैरह, और बच्चे सो रहे हैं अभी, मेरे नन्हे मुन्ने दोनों सो रहे हैं। तो यहाँ पर डेकोरेशन भी कर दिया है मैंने, सजावट कर दी है जो भी थे मेरे पास, अभी मार्केट भी जाना नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, इतने दिनों से चल ही रहे हैं बस। ये देख सकते हैं इन्वर्टर भी हमने ऊपर रख दिया है बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे बार बार इन्वर्टर के बटन वगैरह दबाते हैं। तो यहाँ पर बस छोटा रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये बेडरूम। इधर टीवी लगाए रखी है हमने, इधर मंदिर भी यहीं सेट कर रखा है हमने। और ये बेड है, और सामने किचन है, छोटी सी किचन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। किचन का आधा सामान यहाँ लगा रखा है, डिब्बे वगैरह, क्योंकि किचन में जगह ही नहीं है इतनी। तो यहाँ पर सारे डिब्बे वगैरह मैंने इधर लगा रखे हैं, ये किचन एरिया है सारा। तो यहाँ पर ये सामने किचन है छोटू सा, और इधर बर्तन वगैरह का स्टैंड लगा रखा है हमने। और ये देख सकते हो आप, इधर आ रो, देख सकते हो बिल्कुल क्लीन है किचन, तो साफ सुथरा रखती हूँ मैं, गंदा भी नहीं रखती। इधर घी वगैरह रख रखा है, थोड़ा बहुत सामान, ज़्यादा सामान नहीं रख सकते किचन में, थोड़ा बहुत ही आ रहा है। और इधर ये पूरा एरिया है किचन का सारा, मतलब थोड़ा बहुत होल टाइप मान लो आप, कुछ भी मान सकते हो इसे, ये किचन के आगे रहता है थोड़ा बहुत, जिसमें ड्रेसिंग वगैरह रख रखी है हमने, अलमारी, फ्रीज ये रख रखे हैं। पीछे की साइड है ये क्वार्टर के पीछे की साइड है, जिधर लेटरिंग बाथरूम भी इधर पीछे हैं। तो यहाँ पर अलमारी रख दी है मैंने, अलमारी रखी हुई है, यहाँ पर फ्रीज, बैग वगैरह, कुर्सी वगैरह, देख सकते हो इतनी सी जगह है ये को किचन के आगे। और फ्रिज देख सकते हो आप मेरा,
अभी कुछ नहीं रखा फ्रिज में, बस नेल पेंट वगैरह रखी हुई है। सारा सामान मैं इसी में रखती हूँ क्योंकि सूखती नहीं है। नेल पेंट वगैरह फ्रिज में रखो ना तो फ्रिज देखो कितना क्लीन हो रहा है मेरा। अच्छा लगता है ना जब क्लीन चीज़ें को देखते हैं। तो यहाँ पर ड्रेसिंग है, इधर डोल वगैरह जो भी वॉशिंग मशीन रखी हुई है इधर, और सूर्य का जो चप्पल जूतों का स्टैंड वो है, और इधर है बाथरूम एरिया। तो इधर चलते हैं, ये सारा खुला है, थोड़ा बहुत यहाँ पर जगह है। ऊपर बाउंड्री हो रही है, बड़ी बड़ी बाउंड्री कर रखी है, इस पे कांच वगैरह लगा रखे हैं। और इधर चप्पलों का स्टैंड वगैरह, टब वगैरह, मतलब ऐसी चीज़ें रखी हुई है। काफ़ी खुली जगह है वैसे तो, ऐसे ये बहुत स्पेशल है। और ये इधर ये दरवाज़ा है पीछे जाने का, और ये बाथरूम है। टाइल वगैरह नहीं लगा रखी है इनमें क्योंकि लगाते नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत काम भी हो रहा है, ये हम मतलब जो रहते हैं वही कराते हैं, सरकारी वाले तो कुछ कराते हैं नहीं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।